हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एचएन गुरुकुल में। आज के इस वीडियो से हम चालू करेंगे प्रश्नावली 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले खंड में जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग ने कर लिए थे, और अगर वो वीडियोस बच्चों को देखने हैं जिनके छूटे हैं तो इस वीडियो के नीचे जो मोर या डिस्क्रिप्शन लिखा है उस पर क्लिक करके, यूट्यूब आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करके वहाँ से सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, या फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से हम चालू करेंगे जो हमारे प्रश्नावली 6.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, ये आपको आकृति दी गई है पूरी, और कहता है कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। देखो ODC, जो ODC त्रिभुज है समरूप है OAB के, ठीक है, या OBA त्रिभुज के। और क्या क्या दिया गया है, BOC यानी कोण हमारा BOC। जब इस तरह बात करते हैं तो ये पूरी रेखा के बीच जो कोण बनता है, देखो B से O तक जो रेखा गई, O से C तक जो रेखा गई, इसके बीच कितना कोण बना, 125 डिग्री का, ठीक है। और दूसरा कोण दिया है कोण DCO, यानी कोण DCO। DCO कितना दिया है, 70 डिग्री। क्या कुछ हमने गलत लिखा है क्या? कोण CDO है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे कोण CDO, कोण CDO कितना है, 70 डिग्री। तो कहता है कोण DOC, देखो DOC कौन सा है, कोण DOC यानी ये कोण ज्ञात करना है। उसके बाद कहता है कोण DCO, DCO ये वाला कोण ज्ञात करना है। और उसके बाद कहता है कोण OAB, OAB ये कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कर लोगे, कैसे करोगे? देखो इससे पहले, सवाल से पहले हम बता दें, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये कॉन्सेप्ट आगे भी यूज़ होगा, समझ लो। जब दो समांतर रेखाओं को, एक ये समांतर रेखा है दूसरी ये, इसको एक ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो एकांतर कोण बनते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। अगर ये है 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री होगा। इधर से देखोगे एकांतर कोण इसका बनेगा 10 डिग्री मान लेते हैं, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तुम्हारे सवाल में ये नहीं बोला गया है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम गौर करो तो ऐसा लगेगा, देखो ये एक समांतर रेखा गई, एक ये गई है, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, अगर ये अंदर का 70 है तो यहाँ पे भी 70 होना चाहिए, ऐसा लग रहा कि नहीं? या फिर थोड़ा और सरल करना चाहो तो अगर तुमको ऐसे कहीं जेड बना दिखे तो ये जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये तब संभव है जब ये समांतर होंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ये पॉइंट समझ गए ना? एकांतर कोण की बात की, देखो सवाल में कहता है ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, ठीक है, और ये कोण दिया गया BOC, BOC यानी हमारा ये वाला कोण कितना है, 125 डिग्री। अब अच्छा तुमको ये पता है, एक ये सीधी रेखा गई है, देखो सीधी रेखा गई है कि नहीं, ऐसे गई है, और यहाँ तक कोण कितना है, 125 डिग्री है कि नहीं। बाकी का कोण तो ये है ना, ये तो इतना दिया ही नहीं है। तुम्हें पता होता है कि एक जो सीधी सरल रेखा होती है, सरल रेखा के ऊपर ऐसे पूरा कोण ऐसे पूरा चल जाओगे तो टोटल 180 डिग्री होता है, होता है कि नहीं? अगर और पूरा घूम जाओगे तो ये इधर भी 180 डिग्री, और पूरा जब चलते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। ये समझ में आया? कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक 125 डिग्री है, और पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमें कोण इतना ज्ञात करना है,
ये कितना होगा। तो ये कोण हमें ज्ञात करने के लिए देखो, देखो ये पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री, ये इतना सवाल में दिया गया है, ठीक है, और ये हमें इतना सा ज्ञात करना है। तो अगर हम 180 में से इतना घटा दें तो इतना निकल आएगा कि नहीं? देखो बच्चे, ये पूरा कितना है 180 डिग्री का, और यहाँ तक कितना दिया है 125 डिग्री, 125 डिग्री दिया है। अगर हम 180 से ये इतना 125 घटा देते हैं तो ये इतना निकल आएगा कि नहीं? चलो घटाते हैं, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि देखो, क्योंकि कोण बी ओ सी प्लस कोण हो गए, मत समझ में नहीं आएगा, इधर देख लो। फिर सी ओ डी, सी ओ डी, ये दोनों कोण मिलके कितने हैं 180। ये दोनों एक सरल रेखा का बना देते हैं ना। हमने कहा कोण बी ओ सी यानी ये कोण और सी ओ डी और इस कोण का योग मिलके होता है 180 डिग्री, यानी हम ये पूरे कोण की बात कर रहे हैं, कितना है 180 डिग्री है। अब तुम्हारा कोण ये वाला दिया है बी ओ सी, इसका मान दिया है 125 डिग्री। कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, इसको इधर भेज दो तो कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कोण सी ओ डी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। यानी तुमने कौन सा कोण निकाल लिया 55 डिग्री? सी ओ डी। ये वाला कोण कितना निकाला? लिख दें। यस सर। अब अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो त्रिभुज के तीनों अंता, त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 होता है। दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण निकल आएगा कि नहीं? निकल आएगा ना। हम लोग लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों कोणों का योग कितना होता है? होता है। तो इसलिए हम लोग ने किया क्या, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, 55 डिग्री प्लस कोण ओ डी सी या कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ, डी सी ओ तो दिए नहीं है, दिया है भला? तीनों कोणों का योग किस किसके बराबर हुआ? हमने ये चीज़ लिखी है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाले कोण को हमने लिख दिया डी सी ओ, क्योंकि ये दिया नहीं है तो इसका नाम हमने लिख दिया। लेकिन ये क्रिया हमने कौन से त्रिभुज में की? ऊपर वाले में, नीचे वाले? ऊपर वाले ना, तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ओ डी सी में। यहाँ पर लिख लेना ओ डी सी में। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ के उधर भेज के 180 से घटा दो, कोण डी सी ओ 180 माइनस 70 में 55 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 125 डिग्री, ये हुआ 125 डिग्री। कोण डी सी ओ बराबर कितना हुआ 55 डिग्री, ये भी 55 ही निकला। तो हमारा ये कोण कितना आया 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है।
देखो सवाल में क्या पूछा था, पहला पूछा था डी ओ सी, तो ये हमने निकाल लिया है। देखो डी ओ सी कह दो या सी ओ डी कह दो, बीच में ओ होना जरूरी है, ठीक है। देखो कोड तुम्हारा क्या पूछा था, डी ए पहला डी ओ सी, डी ओ सी यानी ये वाला निकाल लिया 55 डिग्री, उसके बाद ये वाला निकाल लिया डी सी ओ, ये भी 55 डिग्री है। ये देखो पूछा कोण डी सी ओ ज्ञात कीजिए, अब ओ ए भी बचा है, इसको ये भी लिख सकते हैं डी ओ सी, ठीक है। अब ये वाला हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दिया है चूँकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ ए बी के, इसलिए कोण कोण डी सी ओ डी सी ओ बराबर होगा कोण ओ ए बी के, कोण ओ ए बी के यानी ये 55 है तो हमारा कोण ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ये भी निकल आया। अच्छा ये कोण है कैसे, ऐसे लिख लेना त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है। अगर त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, जब त्रिभुज क्या है समरूप है। समझ में आया ये, यानी तीनों हमने कोणों को ज्ञात कर लिया। किसी कोई पूछना, समझ में आ गया सब? रितेश चलो फिर नोट कर लो इसको, चलो बता देखो, चलो आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है समलंब ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी समलंब, किताब में नहीं बना है, जिसमें ए बी समानांतर है डी सी के, तो चतुर्भुज बनाते हैं समलंब। हमने समलंब की विशेषता बताई थी तुमको, बताओ क्या बताई थी, जिसके चारों कोण समान हो, जिसके दो भुजाएं कम से कम समानांतर हो, समानांतर का मतलब बराबर दूरी पर स्थित हो। देखो अगर हम लोग मान लेंगे ये ए बी समानांतर है डी सी, ये दिया है मानेंगे क्या, देखो दिया है ए बी समानांतर है डी सी के, और कहता है कि विकर्ण ए सी, ये जो ए सी विकर्ण है मिला दो इसको, ए सी और बी डी ये एक दूसरे को बिंदु ओ पे ओ पर काटते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि ए ओ, क्या सिद्ध करना है, ओ ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी के, ओ बी बटे ओ डी, ए ओ बटे ओ सी। दो चीज़ दी गई हैं, पहली चीज़ ये दी गई है कि जो तुम्हारा त्रिभुज है ये समलंब है, समलंब है तो इसके दो भुजाएं समानांतर भी दे दी है। कहता है कि पहले त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करो और उसके बाद ये बताओ कि इनका अनुपात क्या होगा, जब समरूप हो जाएंगे तो दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात तो ले सकते हो, समान हो जाता है, ठीक है। तो हम देखो करेंगे क्या, सबसे पहले अगर देखो तो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, यहाँ पे बिंदु ओ दे दो, पहला ए ओ बी यानी ये वाला त्रिभुज ले लिया, और दूसरा ओ डी सी, इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करने जा रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ओ डी सी,
ओडी सी में। क्या है भैया दोनों त्रिभुज में ए बी समानांतर है किसके? डी सी के। ब्रैकेट में लिख देना दिया है, दिया है। हमने तुमको अभी कुछ समय पहले बताया था जब दो रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं, अगर उसको एक तिर्यक रेखा काट देती है तो इसके कौन से कोण बराबर होते हैं? ये कोण इस कोण के बराबर होगा। देखो ए बी रेखा डी सी के समानांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही है कि नहीं, तो इसलिए ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ठीक है। ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस, ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं काटती हैं तो उनके जो शीर्ष पे जो कोण बनते हैं ये आपस में आमने सामने के बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे देखो, और जब तीन कोण एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर हो जाते हैं तो कौन सी समरूप हो जाएंगे कि नहीं? कोण 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 ए ए ए समरूपता का कसौटी से, ठीक है। एंगल एंगल एस एस ए एंगल एंगल। देखो क्योंकि ये समानांतर है डी सी के, इसलिए हमारा कोण कोण ए बी, इसलिए कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण ओ डी सी, ओ डी सी के। यहाँ पे लिख लेना एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसी तरह कोण ओ बी ए बराबर कोण, ये तो हो चुका है ना, यहाँ पे ए बी ओ कह लो या ओ बी ए कह लो, बात वही है। दूसरा कोण कौन सा बचा है? बी ए ओ, बी ए ओ, ये तुम्हारा हो जाएगा ओ सी डी के, ओ सी डी एक अंतर कोण है। और दूसरा ये तो शेष अभिमुख है, कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग शीर्षा विमुख कोण। अब देखो इसलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो गया त्रिभुज ओ डी सी के। यहाँ पे लिखेंगे कैसे समरूप हुआ, ए ए ए समरूपता से, यानी कोण 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 तीनों कोण हमने बराबर दिखाए हैं। इसलिए अब एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, इसलिए ओ ए बटे ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बटे ओ डी। अच्छा ये देख लो भुजाओं का अनुपात त्रिभुज ही की हैं, क्योंकि त्रिभुज तो दो है, ए ओ बटे ओ सी ये भुजा इस भुजा का अनुपात और ओ बी और ओ डी का अनुपात बराबर है। ये तुमने क्या कर दिया सिद्ध, प्रूव्ड हो गया, आ गया समझ में, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, ये तुम्हें आकृति दी गई है और इसमें ये दिया गया है कि कोण एक जो है ये बराबर है कोण दो के, और ये भुजाओं का अनुपात तुम्हें दिया गया है कि ये अनुपात बराबर है इस अनुपात के, यानी क्यू आर, क्यू आर ये पूरी भुजा ले लीजिए, क्यू आर बटे क्यू एस यानी पूरी भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात बराबर है क्यू टी, क्यू टी पूरी भुजा ली है, और पी आर, पी आर कहाँ गया? क्यू टी हो रहा,
पी आर। अब देखो क्यू टी बटे क्यू पी होना चाहिए था, तब ये अनुपात समान होते हैं दो त्रिभुजों के। अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं और पूरे त्रिभुज की बात करते हैं, तो हम लोग करेंगे कैसे, देखो क्योंकि दिया है क्या, दिया है कोण एक बराबर है कोण दो के, इसका मतलब ये हुआ, एक तुमने क्लास नाइन्थ में प्रमेय पढ़ी होगी, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है पता है, ये, और इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये, किस, लेकिन हम त्रिभुज किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं ये चीज समझो, क्यों पी आर में, काहे में, देखो अगर देखोगे तो किताब में जो चित्र बनाए हैं इसमें तीन त्रिभुज बन रहे हैं, पहला तो सबसे बाहर वाला क्यू टी आर, दूसरा उसके बाद वाला क्यू पी एस, ठीक है नहीं, दूसरा क्यू पी आर ये दूसरा है, और तीसरा है क्यू पी एस ये तीसरा, तीन बने हैं क्योंकि कोण एक बराबर है कोण दो के, इसलिए हमने क्यू पी आर में बात कर रहे हैं, ये भुजा बराबर हो जाएगी किस भुजा के, इस भुजा के, इसलिए इसलिए त्रिभुज क्यू पी आर में, आर में भुजा पी क्यू बराबर हो जाएगी भुजा पी आर के, पी आर के ऐसे लिख भी सकते हो, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, ये निष्कर्ष निकाला, ये जो हमने रेखाएं खींची हैं इसको मिटा देते हैं, देखो उतार ले, नहीं अभी नहीं, ठीक है, हमने ये दिखाया कि ये भुजा बराबर है इस भुजा के, दिया है क्या, दिया है, दिया है तुम्हारे चित्र में दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हो है क्यू टी बटे पी आर के। देखो अगर यहाँ पे हम पी आर का मान, पी आर है, अगर हम यहाँ पे पी आर का मान ये रख दें इसकी जगह पे तो कोई समस्या, तो हम लोग लिखेंगे पी आर का मान रखने पर, मान रखने पर, मान रख दो, मान रखोगे तो ये हो जाएगा क्यों आर बटे क्यों एस बराबर क्यों टी बटे पी आर, ठीक है, त्रिभुज अब लिखोगे यहाँ पे, अब त्रिभुज कौन से त्रिभुज, एक तो सबसे बड़ा ले लो पहले टी क्यू आर, हाँ टी क्यू आर या क्यों टी आर व त्रिभुज, अब ये वाला ले लो छोटा वाला क्यों पी एस में, क्यों पी एस में क्या चीज, हम लोग ये गौर कर रहे हैं कि जो बड़ा त्रिभुज है बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा नीचे देखेंगे क्यू आर, क्यू आर का अनुपात समान है छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा क्यू एस के, दूसरी बात ये कही है बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा क्यू टी का अनुपात समान है क्यू पी के, और इन दोनों त्रिभुज में एक कोण भी समान है, कोण क्यों बराबर है कोण क्यों के, एक इस त्रिभुज की एक बड़े त्रिभुज की बात की,
तो भुजाओं का अनुपात समान है और दोनों त्रिभुजों में यह कोण तो कॉमन है, तो इसीलिए हमने लिखा कोण क्यों कॉमन है, कोण क्यों के। जब हमने देखा दो भुजाओं के अनुपात समान है, एक कोण समान है, तो ये हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन से कसौटी से? भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजाएं और एक कोण समान दिखाए हैं, तो इसलिए इसलिए हम लोग लिखेंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से, कसौटी या प्रमेय जो भी, क्या लिख सकते हैं कि हमारा बोला त्रिभुज समरूप है, जो सिद्ध करना था ऊपर त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। क्या आ गया समझ में? चलो नोट करो। टाइम तो हो गया, तो ये क्लास रखते हैं यहीं तक। आगे के जो भी सवाल हैं वो हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं, ठीक है? फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। जो बच्चे नए हैं वो त्रिभुज टॉपिक है शुरुआत से देख सकते हैं। भैया से अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए चंग गुरुकुल के साथ। धन्यवाद।